उत्तर प्रदेश विशेष पर चल रही हमारी इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश की शिल्प कलाओं से परिचित कराएंगे। पिछले वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश के कढ़ाई शिल्प को जाना था, जिसमें हमने जरदोजी, जरी, चिकनकारी आदि पर चर्चा की थी। आज हम उत्तर प्रदेश के धातु के काम पर चर्चा करेंगे। धातु के शिल्प में सबसे पहला स्थान आता है मुरादाबाद के पीतल का। मुरादाबाद में पीतल से बनी अनेक वस्तुएं, जैसे देवी देवताओं की मूर्तियां, साज सज्जा का सामान, पारंपरिक वस्तुएं जैसे ताम्रपत्र, कंचन थाल और पंचपात्र आदि बनाए जाते हैं। पीतल की तकनीक में धातु को सजाने की तकनीक जैसे खुदाई, नक्काशी, जड़ाई, ढकाई, सोने चांदी की परत आदि चढ़ाना आता है। मुरादाबाद में बनी पीतल की मूर्तियां भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। इन मूर्तियों पर नक्काशी का जो काम किया जाता है वो बहुत ही बारीक होता है। इनमें राधा कृष्ण की मूर्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं। पीतल के सामान बनाने का पहला कारखाना मुरादाबाद में 1915 में लगा था। हालांकि आजकल मुरादाबाद की यह पीतल इंडस्ट्री अलीगढ़ की तरफ शिफ्ट होने लगी है और अलीगढ़ में भी पीतल का काम जोरों से चल रहा है। मुरादाबाद के अलावा धातु के इस काम के लिए इटावा, वाराणसी और सीतापुर जैसे क्षेत्र माने जाते हैं। इसी कड़ी में अगला नाम आता है बनारस का। बनारस भी अपने धातु के काम के लिए प्रसिद्ध है। बनारस में लचीली धातुओं को मोड़कर उल्टी तरफ से हथौड़ों से पीटकर सुंदर कलाकृतियां बनाई जाती हैं। इस काम को बनारस में एक विशेष कसेरा समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है और उनकी कला और दक्षता बहुत जबरदस्त है। ये काम वे लोग पीढ़ियों से करते चले आ रहे हैं। इस काम को कसेरा लोगों की जुबान में खाल उभार का काम भी कहते हैं। इस काम में आभूषण, दरवाजों की सजावट का काम, छत्र, महंगी धातुओं के बर्तन आदि बनाए जाते हैं। इसी तरह धातु के काम में लखनऊ और बनारस अपनी मीनाकारी के लिए भी जाने जाते हैं। मीनाकारी में आभूषणों के ऊपर खनिज पदार्थों की परत चढ़ाकर उन्हें अलग अलग रंग और चमक दी जाती है। मीनाकारी को मुगलों द्वारा प्रारंभ किया गया था। इनमें बनारस की गुलाबी मीनाकारी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।